मलेशिया बैठ के हम कोशिश करेंगे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, वो जो भी सेटलमेंट होगा ज्वाइंट स्टेटमेंट कोर्ट में जमा करवाएंगे। मेंटेनेंस का केस हो, गाजनवाड़ का केस हो, इंशाल्लाह अगर ये हमारा सक्सेसफुल होता है तो हो सकता है एक दो हेरिंग में दोनों केस ही खत्म हो जाएं। फिरोज खान के जो बारे में केस चल रहे हैं दोनों खत्म हो जाएंगे। हम तो चाहते हैं कंप्रोमाइज, अल्लाह भी राजी ना भी राजी, अगर हो जाता है तो वेरी गुड, कोर्ट का तो डेकोरम तो प्लीडिंग तो वैसे चलाएंगे हम तो, और इंशाल्लाह पॉजिटिव है, सबको खुशखबरी मिलेगी अगर कंप्रोमाइज होता है। अगर नहीं होता तो एज पर कोर्ट तो वैसे केस चलेगा हमारा। उनके जो मुतालबात हैं घर लेने का या जो दूसरे अटका जाते हैं, इस हवाले से क्या सारे मुतालबात उनके माने जाएंगे या कुछ मुतालबात माने जाएंगे? जब कंप्रोमाइज होता है, ज्वाइंट स्टेटमेंट होती है, तो कुछ अमाउंट हम डिसाइड करते हैं, कुछ अमाउंट वो डिसाइड करते हैं, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है। कंप्रोमाइज मतलब क्या होता है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे एक खुशगवार में मुस्बत अमल में एक अमाउंट डिसाइड होता है दोनों तरफ से। एग्री हो गए तो वेरी गुड, अगर एग्री नहीं हो गए तो कोर्ट में केस वैसे चल रहा है।